हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप से वीडियो सेंड नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद WhatsApp ऐप को खोजना है तो सबसे नीचे आएंगे तो WhatsApp मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है तो WhatsApp पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक, तो यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर चेक करना है जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ लिखा है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो अब देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। फिर आप वीडियो सेंड करेंगे, सेंड हो जाएगा। तो इस तरह सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।